Hi guys, this is Swati and you're watching me on Discover the Magic Within. आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है. किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछा कि अगर हमें डिजायर्ड मार्क्स लेने हैं, मैनिफेस्ट करने हैं एग्जाम में, तो उसके लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी होगी. एंड इज इट पॉसिबल? 100% इट इज पॉसिबल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से. बट आपको करना क्या है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है. और साथ ही साथ में कुछ और भी क्वेरीज थी कमेंट सेक्शन में, जो कि मैं इस वीडियो के द्वारा एड्रेस करने की कोशिश करूंगी. सो गाइज, प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली. अब सबसे पहली स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए इस टेक्निक को यूज करने में. आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो है अच्छी तरीके से पढ़ना है, डेफिनेटली. क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, तो रिजल्ट नहीं आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना जरूर है. नंबर टू, अब आपको उसको स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, आपको अफर्म भी कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी. आपको इसे लिखना है. देखिए, इस यूनिवर्स का एक सबसे पावरफुल थॉट है जो कि स्पिरिचुअलिटी में भी माना जाता है, उसको ऐड करते हुए आपको इस टेक्निक को लगाना है. और आपको ये कब करना है, आप जैसे ही सुबह उठते हैं आपको ये 7 days तक 21 बार 21 टाइम्स आपको इसे मिनिमम लिखना है. दिस इज द टाइम. ओके, एक फाइनाइट टाइम में आपको दे रही हूँ. आप इससे ज्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई लॉस नहीं होने वाला है. प्लीज गो अहेड, लेकिन एक मिनिमम टाइम होगा 7 days का एंड 21 टाइम्स. तो आपको सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है स्क्रिप्टिंग में, आपको पहले लिखना है ये सबसे पावरफुल थॉट, I am Master Almighty. क्योंकि हम Almighty के बच्चे हैं, तो हम हो गए Master Almighty, which says कि इस यूनिवर्स में सेकेंड पावरफुल पर्सन अगर कोई है आफ्टर गॉड तो वो मैं हूं. एंड दैट्स ट्रू. आपको अपनी पावर को पहले रियलाइज करना है. एंड सेकेंड जो आप सेंटेंस वहां लिखोगे वो होगा आपका डिजायर, आपके जो डिजायर्ड मार्क्स है वो. फॉर एग्जाम्पल, यिप्पी, आप ऐसे एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हो ताकि आप फीलिंग के साथ उसे लिखें. यिप्पी, मैंने आई हैव स्कोर्ड 98 मार्क्स इन माय एग्जाम, ये. इस तरीके से आपको उसे लिखना है विद फीलिंग. आप उसमें ये यस जो भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं. एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आपको जो भी लिख रहा है आप वो लिख सकते हैं 3 times. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, या थैंक यू यूनिवर्स एज इट इज. So, ये 3 steps में आपको अपने डिजायर को लिखना है. अगर आपको टॉक करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ द मार्क्स आप लिख सकते हैं आई एम द यूनिवर्सिटी टॉपर. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके आपको उसको क्लोज करना है. ये आपको लिखना है 21 टाइम्स फॉर कंप्लीट 7 days. कभी भी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, एफर्मेशंस दे रहे हैं, कम से कम टाइम 7 days का आपको रखना ही चाहिए. बिकॉज दिस इज मिनिमम टाइम एंड अप्रोप्रिएट टाइम. ठीक है, 7 days फॉर 21 times, ये एक मिनिमम टाइम है. इतना तो आपको करना ही चाहिए, इससे ज्यादा आप करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा. बट गाइज, आपको रुक नहीं जाना है कि मैंने तो 7 days तक पूरा कर लिया, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे, नहीं होगा है मेरे से, छोड़ देते हैं. अगर आप ऐसे हार मान जाएंगे तो आपको रिजल्ट सच में नहीं मिलेंगे. देखिए, इसे वक्त लगता है, किसी के सबकॉन्शियस माइंड में ये जल्दी से पहुंच जाता है, किसी के लिए ये वक्त लेता है. सो आपको हार नहीं माननी है, आपको इसे करते रहना है. साथ ही साथ में आपको स्टडी भी करनी है. देखिए, अगर आप स्टडी नहीं करेंगे और आप सिर्फ अफर्मेशंस और स्क्रिप्टिंग के भरोसे रहेंगे तो लेट मी टेल यू, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो कभी आएगा ही नहीं एग्जाम में जाने के पहले. आप एग्जाम में जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस फील ही नहीं होगा तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कैसे. सबसे पहली चीज है आपका कॉन्फिडेंट फील करना. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड हियर इज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है टेक्निक को. टेक्निक बड़ी ही सिंपल है. आपको किस मूड में करना है वो भी मैं आपको कहती हूँ. आपको मजे से करना है, यू नो, एंजॉय करते हुए करना है. ऐसा कोई
रूटीन नहीं है, एक रिचुअल, रिचुअल समझ कर रिलीजियसली करना है, मौत से करना है इसको, तो तभी आपको इसके रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। कहते हैं ना कि जो मूंज जाता है, जो कंफ्यूज हो जाता है, वो कभी मौज में नहीं रह पाता। एंड यहाँ पे आपकी फीलिंग, आपकी वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? मजे वाली, मतलब कि एक एंजॉयमेंट, एक खुशी वाली, एक एक्साइटमेंट वाली होनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से इस टेक्निक को कंप्लीट करना है, डन करना है। एंड गाइज, आपको मेहनत तो डेफिनेटली करनी ही करनी है। अब आपको यूनिवर्स यहाँ पर कैसी मदद कर सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज क्या है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। यूनिवर्स आपके लिए क्या कर सकते हैं आफ्टर यू अप्लाई दिस टेक्निक? ऐसे हो सकता है कि आपने जिन क्वेश्चंस को पढ़ा है, टोटल आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर आपने 40-50 क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो ये चीज हो सकता है, मैजिक हो सकता है कि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में आ जाए। दूसरी एक चीज ये हो सकती है कि आपके जो इन्विजिलेटर है वो बड़े ही लूज आ सकते हैं, मतलब कि आपके लिए एक ईजी चांस होगा कि अगर आपको दो तीन फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आ रहे हैं, छोटा मोटा कुछ नहीं आ रहा है, आप इजीली अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मतलब कि आपके लिए इजी एटमोसफियर बन जाएगा उस पीरियड में, ये हो सकता है। फिर एक थर्ड चीज ये हो सकती है कि जो आपके एग्जामिनर, जो चेक करने वाले रहेंगे, इवेल्युएटर, आपकी पेपर को बड़े ही इजीली इवेल्युएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, सो दैट यू स्कोर दी मैक्सिमम मार्क्स। ऐसे भी टीचर्स होते हैं ना, जो कि जहाँ 5 मार्क्स देने होते हैं, वो 6 मार्क्स 7 मार्क्स भी दे देते हैं, इट डिपेंड्स। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये है यूनिवर्स की मदद जो आपको मिल सकती है। हो सकता है आपको IMT क्वेश्चन, मतलब देर कैन बी एनीथिंग, यू नो, कुछ भी हो सकता है। ये है यूनिवर्स का काम, लेकिन आपका काम है पढ़ना और अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके, कॉन्फिडेंट होकर के और अफर्म करके अपनी टेक्निक को करके और फिर एग्जाम देना। इससे आपने डिजायर्ड नंबर जो भी आप चाहते हैं, 89, 92, आपको उसे लिखना है और डेली फील करना है, एंड रियली यू कैन मैनिफेस्ट इट। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। ओके, गो गिव इट अ ट्राई एंड प्लीज शेयर योर रिजल्ट्स इन द कमेंट्स। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।